आज के वीडियो से हम सीखने वाले एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, मतलब अभी तक जो हमने सीखा था एरिया ऑफ सेक्टर निकालना या एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना या लेंथ ऑफ आर्क निकालना, बाकी सारी ये चीजें, इसमें से एरिया वाली चीजें थी उन्हीं फार्मूला का यूज करके अब कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एरियाज देखेंगे। तो शुरुआत हो रही है एग्जाम्पल नंबर 4 से, इसको करते हैं और उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 4 है, इन फिगर टू सर्कुलर फ्लावर बेड हैव बीन शोन ऑन द टू साइड ऑफ अ स्क्वायर लॉन एबीसीडी ऑफ साइड 56 मीटर। ये एक स्क्वायर लॉन बता दिया, इसकी साइड 56 मीटर है और दो सर्कुलर फ्लावर बेड बना रखे यहाँ पे। इन द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लॉन। अगर हम स्क्वायर लॉन का डायगोनल देखें तो ये ओ पे इंटरसेक्ट करे और यही पॉइंट दोनों सर्कुलर फ्लावर बेड का सेंटर है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इसके लिए रेडियस हो जाएगी, इसे हम यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस इसके लिए रेडियस हो जाएगी। फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड। तो हमें टोटल जो लॉन है उसका एरिया और दोनों फ्लावर बेड का एरिया निकालना है। अब इसे निकालने के दो तरीके, पहला तरीका एक हम स्क्वायर निकाल ले, जो ये स्क्वायर लॉन है आसानी से फॉर्मूला लग जाएगा साइड इंटू साइड, और इसके अलावा ये सेगमेंट निकाल ले, और सेगमेंट निकालने के लिए फिर हमें ये ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी और सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा तरीका है या तो ये सेक्टर निकाल ले एक और दूसरा सेक्टर निकाल ले दूसरा, और उसके बाद ये दो ट्रायंगल निकाल ले छोटे वाले, उससे भी हो जाएगा। तो इसमें दूसरा तरीका थोड़ा छोटा होना पॉसिबल है, पर क्योंकि जब हम पहला तरीका यूज करेंगे ये वाला तो छोटा हो जाएगा, पर सेगमेंट के लिए हमें सेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा ऑलरेडी, उसमें फिर ट्रायंगल भी निकालना पड़ेगा और फिर उनको माइनस करना पड़ेगा। तो सेक्टर और ट्रायंगल निकल रहे तो हम सेक्टर का यूज इसके लिए कर ले और ट्रायंगल का यूज इसके लिए कर लेते। तो सबसे पहले हम बता देते ये रेडियस है, तो इसके लिए लिखे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ इस सेंटर ऑफ फ्लावर बेड। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल का वो ये सेंटर फ्लावर बेड का, इस कारण से यहां से रखे यहां तक की डिस्टेंस ओपी रेडियस हो जाएगी, ऐसे ही ओसी रेडियस हो जाएगी, और इन दोनों को भी बराबर बोला है। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते और आपस में बाइसेक्ट करते, मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, इक्वल होते इसमें बाइसेक्ट कर रहे तो दोनों 2-2 हो जाएंगे, तो दोनों बराबर। 4 और 2 हमने माना है, रियलिटी में तो हमें निकालना पड़ेगा कितने होंगे। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि रेडियस के लिए भी इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो हम इस बात के थ्रू लिखे वी नो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दोनों इक्वल है और एक दूसरे को राइट एंगल पे बांट रहे और एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे, इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, ये पॉइंट ओ है। तो हम लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल बी ओ सी, बी सी का स्क्वायर बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हाइपोटेनियस है राइट एंगल के सामने वाली साइड, ये हाइपोटेनियस है 56 का स्क्वायर बी ओ, अगर इसको हम एक समान है यहां पे लिख लेते हैं एक्स लेट, तो ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसलिए 56 इंटू 56 इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर, डिवाइड करें 2 से तो ये हो जाएगा 28। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब एक्स की वैल्यू निकालना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि जब भी फॉर्मूला में हम देखेंगे तो हमें मोस्टली एक्स स्क्वायर का ही यूज पड़ेगा, देख लेना पता पड़ जाएगा, इसलिए हम इसे सोल्व नहीं करते। अब देख लेते सेक्टर का एरिया निकालने के लिए ये एंगल कितना होगा। तो ये हमने लिखा है राइट एंगल है, हर एक 90 डिग्री पे या राइट एंगल पे बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो सोल्व करें टोटल एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी, और इन पूरे का 2 से मल्टीप्लाई है। अब इस बात को समझे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ए ओ बी सेक्टर मतलब ये पूरा एरिया निकल जाएगा और इसके लिए फार्मूला लग गया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा यहाँ 90 डिग्री है, अब यही सेक्टर यहाँ पे भी निकलना है, अब एक और सेक्टर है जिसका एरिया हमें निकालना है, उसका भी एंगल आएगा 90 डिग्री और
रेडियस ओबी जो कि ओसी के बराबर है, तो जब इसका निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा क्योंकि इन दोनों का एरिया बराबर है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। और इधर BOC अगर एरिया निकालेंगे तो करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट, यहां पे 90 डिग्री इसलिए बेस बन जाएगा OC और हाइट बन जाएगी BO और ये सब के सब बराबर है, तो इस वाले का जब एरिया निकालेंगे तो इसके लिए भी AO का मतलब हो जाएगा BO और OD का मतलब हो जाएगा OC, तो इस वाले का निकाल लेंगे और उसका डबल कर देंगे, दोनों इक्वल एरिया है इसलिए 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर AOB फार्मूला था थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर प्लस ट्रायंगल का फार्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, 2 मल्टीप्लाई थीटा है 90 अपॉन 360 पाई आर की वैल्यू देख लेते, आर यहां पे OB और OC के बराबर मतलब x के बराबर और x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 56 इनटू 28, तो बस ये पुट कर लेंगे और 28 7 से डिवाइड होता है तो यहां पे पाई की वैल्यू रख लेते 22/7, आर स्क्वायर को हम बोल सकते हैं x स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह रख देंगे ये प्लस हाफ बेस, बेस है अगर ये राइट एंगल है अगर इसे बेस माने तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो OC और OB और 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दूं, और ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कट जाएंगे, यहां पे 90 से कटेगा 360 तो 4 टाइम कटेगा, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 कटने में आसानी हो जाएगी, तो अंदर बच जाएगा इस बार 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई x स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू है 56 इनटू 28 डिवाइड में है 4 और एक और है 7 प्लस हाफ, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इनटू हाफ इनटू ओसी इनटू ओबी दोनों बराबर है मतलब एक्स इनटू एक्स एक्स स्क्वायर वो भी हो जाएगा 56 इनटू 28 डिवाइड कर लेते 2 से 2 कट जाएगा 2 से 4 2 बचा 2 से 22 11 बचा 7 और यहां पे केवल 56 इनटू 28 बच गया, थोड़ा शॉर्ट करें तो 56 को कॉमन निकाल लेते 11 टू 4 हो जाएगा 44 प्लस 56 बाहर निकल चुका है तो 28 इन्हें प्लस करके आप 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका सम करें तो आ जाएगा 72, 72 का 56 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा 4032 और मीटर में चीजें थी इसका मतलब मीटर है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अगर दूसरे ट्रिक से करना हो मतलब पहले सेगमेंट निकालना उसके बाद ये स्क्वायर का एरिया प्लस करना तो वो भी कर सकते हैं। ओके अब लेते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट को, क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिगर दिया और हमने यह बना दिया इसे इफ द PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर लिख दिया इसे गिवन में और PQ मतलब यह जो कोर्ड है वो 24 सेंटीमीटर दिया, NPR 7 सेंटीमीटर, ये PR 7 सेंटीमीटर है एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और O सेंटर है, इसका मतलब ये तो हो गया डायमीटर और अगर डायमीटर के एक तरफ बना हुआ सब फिगर मतलब जो शेडेड रीजन है मतलब ये सेमी सर्कल में है, तो अगर शेडेड रीजन निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा हमें सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये बचा हुआ और ये वाला एरिया पूरा निकल जाएगा, और सेमी सर्कल का एरिया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, रेडियस पता हो तो ऊपर रेडियस में दी नहीं है, इसके अलावा ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो बेस और हाइट चाहिए, तो बेस और हाइट मिल सकती है क्या क्योंकि इसमें एंगल तो दिया ही नहीं कि राइट एंगल है, तो हमें ग्रोस फार्मूला का भी यूज करना पड़ सकता है, बट एक चीज को याद करें जो हमने पहले पढ़ा था, हमने एक लाइन पढ़ी थी 9th क्लास में वो ये थी कि एंगल इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल, सेमी सर्कल में बने एंगल राइट एंगल होते हैं इस कारण से ये हो जाएगा राइट एंगल क्योंकि देखो ये डायमीटर है इसका मतलब ये सेमी सर्कल हो गया और ये डायमीटर आरक्यू से एक एंगल बन रहा है पी पॉइंट पे इस कारण से ये राइट एंगल होगा, सो और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इन राइट एंगल ट्रायंगल RPQ हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, RQ का स्क्वायर RP के स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के बराबर होगा, RQ पता नहीं है, RP 7 है
इसका स्क्वायर प्लस पी क्यू 24 है इसका स्क्वायर। आर क्यू निकालना था स्क्वायर नहीं निकालना इसलिए स्क्वायर रूट कर देते तो इस साइड भी हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आर क्यू 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, सम करें 625 स्क्वायर रूट के अंदर तो आर क्यू की वैल्यू हो जाएगी 625 होता है 25 का स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर। अब ये 25 सेंटीमीटर है और ये डायमीटर भी है और हमें निकालनी है रेडियस, तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2 और डायमीटर है आर क्यू डिवाइड बाय 2 मतलब 25 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। अब फाइनली पहुंच जाते हैं शेडेड रीजन के लिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम लिख लेते आर पी क्यू। अच्छा राइट एंगल होने से इसकी सबसे अच्छी बात यह हुई है कि हम डायरेक्ट हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया उसका आधा करना है सेमी करने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ कॉमन निकाल सकता है बाहर निकाल ले हाफ अंदर बचेगा पाई, पाई की वैल्यू देखें आर के ऊपर डिपेंड करेगी, आर की वैल्यू आ रही है 25/2 और स्क्वायर है इस कारण से 25/2 × 25/2। अब 7 से कट तो नहीं रही है इसलिए तुम जो चाहो वो रख सकते हो, 3.14 रखना चाहो तो वो रख लो और अगर 22/7 रखना चाहो तो वो रख लो। मैं 22/7 रख रहा क्योंकि वैसे भी डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत पड़ेगी। हाफ बाहर निकल चुका है बेस, इन दोनों में से किसी भी एक साइड को बेस मान लो जैसे आर पी को बेस मान लो तो हो जाएगा 7 × हाइट, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है पी क्यू मतलब 24 ये हाइट हो जाएगी। हाफ यहाँ 2 से 22 कटेगा 11 बचेगा, 25 × 25 होता है 625 और 7 × 2 यह हो जाएगा 14 माइनस 7 × 24 = 168। अब 14 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, और यहां 14 होल डिवाइड में हो जाएगा 1/2 है इसी साथ में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 6875 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है आंसर 2352, इन दोनों को करें तो आ रहा है 28, दोनों को माइनस करें तो आंसर आ रहा है 4523/28। अब इसे डिवाइड करना है तो एप्रोक्स आंसर आ जाएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर यूनिट थी इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, काफी छोटा क्वेश्चन है मतलब काफी छोटा सॉल्यूशन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर, इसके अंदर जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। इफ द रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री, तो जो एंगल दिया ए ओ सी मतलब इसे हम थीटा बोल सकते हैं वो है 40 डिग्री ये वाला एंगल। इसके अलावा टू कंसेंट्रिक सर्कल दिए मतलब दोनों के सेंटर सेम है, इस कारण से जो रेडियस है वो ए मान लिया हमने आर 1 7 और बड़े वाले की आर 2 40, तो शेडेड रीजन निकालना है तो क्लियरली देख सकते हैं ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, और पूरा सेक्टर निकालेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, इसके बाद छोटा सेक्टर निकालेंगे तो छोटे का निकल जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे मतलब इतना गायब हो जाएगा तो इतना बाहर वाला बच जाएगा शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें नहीं चाहिए वो माइनस कर रहे हैं और नीचे हमें ओ बी डी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी फार्मूला हो जाएगा थीटा बाय 360 × πr² और आर यहाँ पे आर 2 है बड़े वाले के लिए ओ ए माइनस थीटा अपॉन 360 π और यहाँ पे आर है आर 1 ओ बी
थीटा बाय 360 इनटू पाई, दोनों में कॉमन आ रहा है, थीटा की वैल्यू पुट करें 40 अपॉन 360 इनटू पाई, कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा R2 है 14 इसका स्क्वायर माइनस R1 7 का स्क्वायर 4 9 36, तो यहां पे बचा 1/9 इनटू 22 अपॉन 7 इनटू 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस करें तो आंसर आएगा 147 इनटू में 22 है, डिवाइड में 9 इनटू 7, 7 से 147 डिवाइड हो सकता है, 7 अंदर 7, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो आंसर बचा 22 इनटू 7 मतलब 154 डिवाइड बाय 3, डिवाइड कर लेते हैं आंसर आएगा 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जांपल और आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके।